आप देख रहे हैं आज की खबर, हूं आपके साथ शिवानी पांडे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच लड़ाई अब बढ़ती जा रही है। कंगना लगातार उद्धव और शिवसेना पर हमले कर रही हैं। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया, लेकिन इससे कंगना के हमले की धार कम नहीं हुई है। कंगना ने आज उद्धव ठाकरे को वंशवाद का नमूना तो शिवसेना को सोनिया सेना तक कह डाला है। अब आपको यह भी बताते चलें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कंगना के खिलाफ FIR भी कराई है। कंगना रनौत से हमले से शिवसेना तिलमिला गई है और वो एक्ट्रेस को उसी के अंदाज में जवाब दे रही है। कंगना ने कहा था कि 9 सितंबर को आ रही हूं मुंबई, क्या उखाड़ लोगे। इसके बाद बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की और शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा कि उखाड़ दिया। इस पूरे मामले में अब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुख्य सलाहकार अजय मेहता से चर्चा की। राज्यपाल ने कार्रवाई पर नाराजगी जताई। अजय मेहता ने कहा कि वो सीएम उद्धव को जानकारी दे देंगे। वहीं राज्यपाल कोश्यारी इस विषय पर केंद्र को एक रिपोर्ट देने वाले हैं। बीएमसी द्वारा कंगना के ऑफिस पर हुई कार्रवाई का मामला अभी बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है। इसी बीच मुंबई के एक वकील ने कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मुंबई के विक्रोली थाने में कंगना खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील नितिन माने ने ये शिकायत दर्ज करवाई है। कंगना रनौत ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे तुम? कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। कंगना रनौत के तेवर ईंट का जवाब पत्थर से देने के दिख रहे हैं। वो मुंबई में रहती हैं, एक्टिंग उनका पेशा है। बॉलीवुड से उन्हें रोजी रोटी मिलती है। जिस मुंबई पर शिवसेना का सियासी वर्चस्व है, वहां उनका घर दफ्तर सब कुछ है, लेकिन कंगना डट गई हैं और एक के बाद एक उद्धव सरकार पर हमले कर रही हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कंगना रनौत लगातार किस तरह सुर्खियों में है, ये आप लगातार देखते आ रहे हैं। और अभी पूरा मामला शिवसेना वर्सेस कंगना रनौत हो गया है, जहां पर शिवसेना ने कंगना रनौत के खिलाफ FIR भी करा दी है। अब ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए। और देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।